ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2009 के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2009 के बारे में, ठीक है। और जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लेटेस्ट वर्जन है वर्ड का, तो यहाँ पे जल्द से मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट मेनू में जाके इसको मैंने स्टार्ट किया। ये देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। तो ये बेसिकली वर्ड 2019 का एक यूआई है, बेसिकली चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। 2016 और 19 ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ऑप्शन ज़्यादा दे दिया यहाँ पे, ठीक है। आप चाहे तो इसका जो थीम है ये आप चेंज कर सकते हैं। आप फाइल में जाएंगे और ऑप्शन में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑफिस थीम बोल के, कलरफुल क्या आप करना चाहते हैं। यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन ऐड हुआ, पहले क्या था कलरफुल डार्क ग्रे और वाइट था, अब यहाँ पे एक ब्लैक ऑप्शन ऐड हुआ। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, तो ये बेसिकली इसको पूरा ब्लैक कर देता है, ठीक है। ये बेसिकली एक नया चीज़ ऐड हुआ है, ठीक है। तो इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सो व्हाट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग कुछ लेटर लिखते हैं, कुछ टाइप करते हैं, यहाँ पे कोई टेबल मार सकते हैं यहाँ पे, और मेल मार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, दिस इज ट्यूटोरियल, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया दिस ट्यूटोरियल, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है इसको आप बड़ा छोटा भी तो कर सकती है, ठीक है। मैक्सिमम जो साइज़ है यहाँ पे 72 है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ा आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, आई मीन कोई भी आप नंबर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि 100 कर देता हूँ, तो देखिए ये 72 से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम छोटा करते हैं, इसको हम 24 कर देते हैं, ठीक है, इनफ है साइज़। अब इसका जो इसको आप चेंज कर सकते हैं, बोल्ड है, बोल्ड कर सकते हैं, मतलब ये मोटा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा और अंडरलाइन हो जाएगा। ये हुआ क्योंकि हम लोग सिलेक्ट नहीं किए थे, यहाँ पे हमको पूरा सिलेक्ट करना होगा। तो देखिए हमने ये पूरा सेट किया, इसका शॉर्टकट किया यहाँ पे लिख दे रहा है कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक, कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन, ठीक है। तो इसके मैं कंट्रोल बी यू आई, ठीक है, तो आई मीन नॉर्मल कर दिया। यहाँ पे जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का बेसिकली। अच्छा, ये बेसिकली स्ट्राइक थ्रू है, मतलब मिडिल से एक लाइन आ जाता है, मतलब काट देता है ये जो टेक्स्ट है इसको। उसके बाद हम बात करेंगे ये सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। तो सुबह के मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे चूज हो गया, इसको हम सिलेक्ट करके डिजोल्व कर देते हैं, और इसको जो थीम है इसको हम नॉर्मल कर देते हैं अब, ठीक है। तो हम सबस्क्रिप्ट और सुबह स्क्रिप्ट काम में आता है बहुत एक्चुअली। तो सबसे पहले हम सुबह स्क्रिप्ट करते हैं, मतलब ये आप कोई स्क्वायर लिख रहे हैं तो कोई लेटर के ऊपर, तो ये बेसिकली उसमें ही काम आता है ये एक्चुअली। अब जब मैच करेंगे तो ये ज़्यादा काम में आएगा। सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे अब सिलेक्ट किया, सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो देखिए x^2, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिजोल्व कर देंगे, देन नॉर्मल लाइट होगा, ठीक है। तो यही हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, ये कैपिटलाइज कर सकते हैं, जैसे देख रहे हो मैं दिस इज ए टेस्ट, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको मैं सिलेक्ट किया, ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हो गया कैपिटलाइज। या पूरा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोअर केस भी कर सकते हैं, देखिए ये पूरा लोअर केस आ जाएगा, अपर केस मतलब सब कैपिटल आ जाएगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड है। और लास्ट में है टॉगल केस, देखिए रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है,
ज़्यादा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल है। अच्छा ये जो कलर है आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं, जब आई मीन जो फ़ॉन्ट कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये येलो है, ग्रीन, कोई भी कलर, यहाँ पर डार्क ग्रीन कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डार्क ग्रीन कर दिया। अच्छा ये आप इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं, यहाँ पे येलो कलर के मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, हम नो कलर कर देते हैं और इसका कलर ग्रीन ही रखने दे। यहाँ पे एक ऑप्शन है पैराग्राफ बोल के, मतलब ये जो सेंटेंस है ये किस पोजीशन में आएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में रहता है। इसको आप मिडिल में भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पे मिडिल हो जाएगा और यहाँ पे राइट साइज है, मतलब ये राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिडिल में कर देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि एक पैराग्राफ लिखे विदाउट टाइपिंग, तो हम कर सकते हैं, एक रैंडम सा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसका एक फॉर्मूला है बेसिकली रैन बोल के। तो ये देखिए बोर्ड पेज में दो पेज में आइटिंग आ गया, एक एक पेज दो पेज, ठीक है। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, इसको हम 14 कर देते हैं, ठीक है, 14 कर दिया, ठीक है। इसको हम जूम आउट कर देते हैं। इस दो पैराग्राफ को हम छोड़ देते हैं, आई मीन डिलीट कर देते हैं, डिलीट प्रेस किया मैंने। तो देखिए क्या होगा, इसको हम जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो जो साइज़ है ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेगा, आई मीन एडजस्ट हो जाएगा। एक काम करते हो आपको, मैं इसको क्लियर करते हो, देखिए अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, देखिए ये है नॉर्मल बेसिकली। अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यही काम है, तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अच्छा रैन का, सिर्फ रैन में रैन का फंक्शन मैं दिखाना भूल गया, आई मीन ठीक है बहुत। आप जब नॉर्मल करेंगे तो ये बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन आप इतना सारा पैराग्राफ नहीं चाहते तो क्या करेंगे आप। तो यहाँ पे जस्ट एक ट्रिक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2.21 लिख रहा हूँ, देखिए क्या होगा। तो देखिए पहले दो का मतलब है पैराग्राफ और नेक्स्ट जो वन लिखा उसका मतलब है होता है कितना लाइन, नंबर ऑफ लाइंस। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से ट्राई कर रहा हूँ, हम लोग 3 पैराग्राफ चाहते हैं और राय की 2 लाइन, 3 पैराग्राफ पर पैराग्राफ में 2 लाइन होगा, ठीक है। तो हम इसको इंटर करते हैं, तो देखिए 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन है, ये एक्चुअली 2 सेंटेंस है, ठीक है। ये बेसिकली इसका काम है। अच्छा उसके बाद ये स्टाइल है, आप बहुत सारा स्टाइल कर सकते हैं, मतलब ये आप कोई भी अगर टाइप कर रहे हैं तो ये ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लिख दिया टॉपिक बोल के, तो देखिए उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये सब एक्चुअली प्री डिफाइंड टेक्स्ट है, आई मीन स्टाइल है। अच्छा उसके बाद हम देखेंगे बुलेटिंग। बुलेटिंग हम कैसे करते हैं, जैसे आप कोई पॉइंट लिख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे हम इसको हम एक काम करते हो, कलर को चेंज कर देता हूँ, इसको जो कलर है इसको ब्लैक कर देता हूँ। हम लिख रहा हूँ लिस्ट ऑफ गेम्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसके अंडर में जो गेम का नाम है वो आएगा, बेसिकली डॉट के आएगा, डॉट ऐसे करके हम लोग जैसे करते हैं ना एक साइन देते हैं, जैसे अक्षरी के, इसलिए। तो हम वो कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सपोज एक टाइप, पहले आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो सॉरी एक्चुअली ये नहीं, ये वाला, तो हम चाहते हैं कि ये वाला रहे, ठीक है। तो देखिए ये बेसिकली बुलेटिंग है, जिसको हम कहते हैं बुलेट है, जैसे मैं फाका लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली बुलेटिंग है, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए आप बैकस्पेस करेंगे देन ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली बुलेटिंग है। अच्छा उसके बाद हम देखेंगे, ये तो नंबर है, उसके बाद हम देखेंगे ये भी सेम है, ये नंबर का क्या अगर मैं दिखा देता हूँ आपको, या मैं इसको सेट कर, तो देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा है,
ये ऑटोमेटिकली नंबर करके आ जाएगा। ये बेसिकली नंबर है, ये बुलेटिंग था, ये नंबर है, नंबरिंग है। उसके बाद है मल्टी लेवल लिस्ट, जो काफ़ी काम का है, बहुत आई मीन इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। अच्छा तो इसको हम नॉर्मल कर देते हैं, बैकस्पेस प्रेस किया मैंने। अच्छा हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो नाम हो एक सीरीज़ में हो, ठीक है। तो जैसे हम चाहते कि यहाँ पे फार क्राई लिख रहा हो, ठीक है, तो इसको मैंने सिलेक्ट करना होगा। सपोज़ मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ फार क्राई, सॉरी, ये सीरीज़ होगा, ठीक है। इसके अंदर में बहुत सारा होगा, तो ये बेसिकली मल्टी लेवल लिस्ट में काम में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ ये वाला मल्टी लेवल लिस्ट। तो हम आप खुद भी अपना क्रिएट कर सकते हैं डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट में, या पे मैं यहाँ पे पहले ये वाला दिख रहा हूँ, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे न्यू वाला। तो यहाँ पे मैंने सीरीज बोल के आपको टैप प्रेस करना होगा, ठीक है। देखिए टैप प्रेस करना होगा आपको, उसके बाद ये आएगा। देन उसके बाद आप लिखेंगे टू, ठीक है। फिर से आपको इंटर प्रेस करना है तो नेक्स्ट सीरीज में जाएगा, जैसे, ठीक है। उसके आप इंटर करने के बाद फिर से आपको टैप प्रेस करना होगा, तो आपको लिखना होगा ठीक है। ऐसे करके आप इसको मल्टी लेवल लिस्ट में आप काम में ले सकते हैं। अब मैं खुद क्रिएट करूंगा एक मल्टी लेवल लिस्ट, तो डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट। एक्चुअली एक विंडो आएगा, पांच लेवल में हम चाहते हैं कि यहाँ पे वन नहीं रहे, हम चाहते हैं कि यहाँ पे आई रहे, ठीक है, आई रहे। और सेकेंड लेवल में हम चाहते हैं कि ए बी सी डी नहीं, हम चाहते हैं कि ये वाला रहे, साइन वाला स्मॉल बॉल, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया। आपको प्रेस करना होगा पहले, यहाँ पे आपको सेट करना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ गया, हम लिखते हैं फॉर क्राई, नहीं तो हम, ठीक है। एंटर करने के बाद अगर इसके अंदर में आप कोई भी गेम का नाम दे सकते हैं, आई मीन इस सीरीज का नाम इंडिविजुअल है, तो आप टैप प्रेस करना होगा। मैं इसके अंदर में ये सब है, जैसे, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट सीरीज में जाना चाहते हैं तो फिर से इंटरप्रेस करना होगा। उसके बाद हम आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई सिटी का नाम कोई भी आप टाइप कर सकते हैं। इंटर करने के बाद कॉल, ठीक है, ऐसे करके आप टाइप कर सकते हैं। इसको आप डेट कर सकते हैं, डेट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये शो हाइड, ये पैराग्राफ मेकर है, ये ज़्यादा काम का नहीं है, इसको आप हाइड कर दीजिए तो अच्छा होगा। ये बॉर्डर है, बेसिकली बॉर्डर भी ज़्यादा काम में नहीं आता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में, ठीक है। कैसे आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल शेप, और यहाँ पे दो चीज़ ऐड हुआ, जैसे ये आइकॉन वाला ऐड हुआ इस वर्जन में 2019 में, और ये 3D मॉडल, आप 3D मॉडल भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक्चुअली देखा नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये दो ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो मेरे पास इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।